हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो आपका टॉपिक है डिविडेंड पॉलिसी। इसमें हम देखेंगे फैक्टर डिटरमिनिंग डिविडेंड पॉलिसी। अगर हम बात करें डिविडेंड पॉलिसी की और वीडियोस की, तो वो वीडियोस बन चुकी हैं, उन वीडियोस का लिंक या आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए आप इसकी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब कभी भी कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड देने के लिए वो किस तरह की पॉलिसी को अडॉप्ट करती है, और साथ ही साथ जो भी वो डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट करेगी उसके लिए वो किन फैक्टर्स को ध्यान में रखेगी कि वो उनके लिए एक अच्छी डिविडेंड पॉलिसी हो सके फ्यूचर में भी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम हर एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चे, अगर हम बात करें डिविडेंड पॉलिसी की, तो कंपनी क्या करती है कि जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है ना ईयर टू ईयर, वो उसमें से कुछ पोर्शन क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड देती है। अब डिविडेंड पॉलिसी डिफरेंट डिफरेंट तरह की, स्टेबल डिविडेंड पे कर सकती है, हाई रेट से डिविडेंड दे सकती है ना, लो रेट से डिविडेंड पे कर सकती है, एक रेशियो में दे सकती है, एक परसेंटेज में दे सकती है, वो डिपेंड करता है कंपनी किस तरह से डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। साथ ही साथ वो बहुत ध्यान से इन चीज़ों को अच्छे से डिटरमिन करती है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे डिविडेंड पॉलिसी में। ओके, तो इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो देखते हैं। द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स विच जनरली अफेक्ट द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ फर्म या फिर कंपनी। ठीक है, तो किसी भी कंपनी या फर्म की जो भी डिविडेंड पॉलिसी है उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको अफेक्ट करता है ये सभी फैक्टर्स। तो हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे। आप इन पॉइंट्स को हेडिंग में लिख करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, इससे आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो और अच्छा होगा, इम्प्रेसिव होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर है फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फर्म। जो भी कंपनी, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने भी शेयर्स इशू किए हुए हैं और उनके शेयर्स को पब्लिक ने परचेज किए हैं, तो अब वो पब्लिक उनकी शेयर होल्डर है। अब वही शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी उनको अच्छा डिविडेंड पे करे। अब कंपनी जब कभी भी डिविडेंड पे करेगी तो वो डिविडेंड पॉलिसी को भी ध्यान में रखेगी, और वो इस चीज़ को ध्यान में रखेगी कि क्या फाइनेंशियल नीड से उसकी जो कंपनी है और फर्म की। ठीक है, तो वो अपनी फाइनेंशियल नीड को ध्यान में रख करके ही डिविडेंड पॉलिसी को वो डिसाइड करेगी। दैट मीन्स कि अगर कंपनी या फिर उस फर्म के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में वो क्या करेंगे कि अपने उन्होंने जो भी प्रॉफिट अर्न किया हुआ है, जो भी लाभ कमाया हुआ है, उसमें से ज़्यादा अमाउंट वो रिटेन करके रखेगी ताकि वो अपने फंड्स को और ज़्यादा बढ़ा सके, पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर सके, उन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सके, और अपने शेयर होल्डर्स को एक मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट एज अ डिविडेंड पे करती रहेगी। वो ये कर सकती है कंपनी। तो सबसे पहले वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को चेक करती है, फर्म के क्या फाइनेंशियल नीड्स है, उसके बेसिस पर ही वो अपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करेगी। तो ये फैक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिविडेंड पॉलिसी में। ठीक है बच्चे, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वो है आपका स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब यहाँ पर ये है, ये जो पॉइंट है ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो सबसे पहले तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी के तहत हर जो उनका जो टाइम है डिविडेंड उनको मिलने का, उस टाइम पर उनको एक फिक्स्ड अमाउंट का जो डिविडेंड है वो मिलता रहे। ठीक है, अब कंपनी के लिए भी ये चीज़ अच्छी होती है कि बहुत ज़्यादा ना डिविडेंड नहीं देना है अपने शेयर होल्डर्स को, ना बहुत कम देना है, तो उन्होंने एक अमाउंट फिक्स्ड कर दिया कि इतना अमाउंट हमें अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है। अब ये स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स में भी डिफरेंट फॉर्म में डिविडेंड्स पे किए जाते हैं शेयर होल्डर्स को, उस पर भी वीडियो बना हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बात की है वो परसेंटेज के फॉर्म में दे सकते, 10% 20% ये रेट फिक्स रख सकते हैं, या फिर एक रेशियो डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, या कोई फिक्स्ड अमाउंट कर सकते हैं कि 10 रुपये का एक शेयर है तो उस पर वो 2.5 रुपये 3 रुपये डिविडेंड प्रोवाइड कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट है आपका लीगल रिस्ट्रिक्शन की बात करें यहाँ पर, तो लीगल रिस्ट्रिक्शन ये होता है कंपनी के लिए कि जो भी कंपनी है वो किस तरह से
अपने इम्प्लॉयज़ को डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि लीगल रिस्ट्रिक्शन में साफ साफ ये कहा गया है, जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 है उसके सेक्शन जो उसका जो सेक्शन है 123, उसमें ये बात कही गई है कि कोई भी कंपनी हो, फर्म हो, वो डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ अपने करंट ईयर के प्रॉफिट में से ही प्रोवाइड कर सकती है अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। लास्ट ईयर में अगर कोई लॉस हुआ है तो उस लॉस को सेट ऑफ करना है, रिकवर करना है, तो वो अपने करंट ईयर के प्रॉफिट में से कर दे उस लास्ट ईयर के लॉस को सेट ऑफ। उसके बाद जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट बचता है उसमें से वो डिविडेंड प्रोवाइड करे अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो ये एक लीगल रिस्ट्रिक्शन हो गई। तो अब ऐसे में कंपनी के पास जितना प्रॉफिट होगा वो उसी में से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे पाती है। वो लोअर लेवल का डिविडेंड भी हो सकता है और हाईएस्ट भी हो सकता है। तो उसका अमाउंट ये डिपेंड करता है कि वो हायर डिविडेंड पे कर रहे हैं या लोअर डिविडेंड पे कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स पे, तो वो उनकी अर्निंग पे डिपेंड करेगा, उनकी जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उस पे डिपेंड करेगा। तो ये लीगल रिस्ट्रिक्शन होती है और ये कहा बात कही गई है सेक्शन 123 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ये ध्यान रखिएगा बच्चे, ठीक है। तो ये उनको थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना होता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिविडेंड पॉलिसी को डिटरमिन करने में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका रिस्ट्रिक्शन इन लोन एग्रीमेंट्स। देखिए बच्चा, जो भी कंपनीज होती हैं उनको जब ज़रूरत होती है फंड्स की, पैसों की, तो वो क्या करती हैं कि बाहर से लोन लेती हैं। अब ऐसे में जो लेंडर्स होते हैं, लेंडर्स दैट मीन्स कि जो लोग या जो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो कंपनी को या फर्म को जब लोन प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका जो भी इंटरेस्ट है या भी उनका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो उनको सेफ्टी मिल सके, है ना। तो वो सेफ्टी के लिए क्या करते हैं कि कंपनी की इन चीज़ों को चेक करते हैं और एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि एक जो कंपनी है जिन्होंने भी लोन लिया हुआ है उनसे, वो अपनी इनकम का या अपनी करंट ईयर की अर्निंग का 40% से ज़्यादा डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहते हैं डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट अपने प्रॉफिट को, अपनी अर्निंग को, तो सिर्फ और सिर्फ 40% कर सकते हैं। और उनको कुछ चीज़ें रखनी होती हैं, क्योंकि जब कभी भी वो मार्केट से लोन लेंगे, ठीक है, अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की फुलफिलमेंट के लिए, तो दैट मीन्स कि उनको कुछ अमाउंट सिंकिंग फंड में रखना होता है। अब सिंकिंग फंड क्या होता है? सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट वहाँ पर ट्रांसफ़र करती रहती है। अब वो कितना परसेंट करेगी वो डिपेंड करता है, 10%, 20%, ठीक है, कंपनी पर डिपेंड करेगा और लेंडर्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो उतना अमाउंट उस सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करती रहती है ताकि जो भी लेंडर से उनका जो अमाउंट है, जो कंपनी ने लोन लिया हुआ है उन लेंडर से, वो टाइम पर उनका रिडम्पशन कर सके, उनको वापस रिडम्पशन का मतलब होता है उनको वापस कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर लोन के केस में जो उनके बीच में एग्रीमेंट होता है यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, और ये रिस्ट्रिक्शन में 40% से ज़्यादा एक कंपनी अपने प्रॉफिट का डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ 40% ही डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी आप सबको पता होता है, कंपनी अगर कैश के फॉर्म में डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है तो कैश का आउटफ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है ऐसे में, तो कंपनी के पास जो कैश है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, वो अनअवेलेबल हो जाता है, इनएडोकेट कैश वहाँ पे होता है। तो ऐसे में कंपनी चेक करती है इन चीज़ों को, तो ऐसे जब उसको भी कैश की रिक्वायरमेंट होगी तो वो मार्केट में जा कर के लोन ले सकती है, या फिर जो उसकी इक्विटी कैपिटल है उसको इन्हांस कर सकती है स्टॉक मार्केट में जा कर के, वहाँ से वो रेज कर सकती है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। फिर है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, जैसे कि मैंने बताया, अब कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को एक हायर लेवल का डिविडेंड प्रोवाइड करती है तो ऐसे में क्या होता है, कंपनी की जो गुडविल होती है, उसकी जो रेपुटेशन होती है, वो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो जब कभी भी कंपनी को फंड्स की या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगी, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो स्टॉक मार्केट में जा कर के वहाँ से कैपिटल मार्केट से वो पैसा ले सकती है, तो इजीली वो एक्सेस कर सकती है कैपिटल मार्केट को और वहाँ से अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकती है, ठीक है। तो डिविडेंड अगर हाईएस्ट है उसका अमाउंट, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डिविडेंड पॉलिसी के डिटर्मिनेशन में, ठीक है। तो सेवेंथ पॉइंट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। अब एक कंपनी जो है, अगर उसकी अर्निंग स्टेबल है, स्टेबल का मतलब होता है एक जैसी है हर साल, बहुत ज़्यादा वहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी अर्निंग में चेंजेस नहीं आ रहे, एक फ्लो में, मतलब
उसका जो चार्ट है वो ऐसे है, ठीक है, तो उस तरह से वो अर्न कर रही है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको यकीन होता है कि हाँ ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, हर साल इतना रिटर्न देती है तो हमें आगे भी देगी, क्योंकि उसकी अर्निंग स्टेबल है तो हमें एक स्टेबल डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। तो ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एट्थ पॉइंट है आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मेंटेनिंग कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग कंट्रोल की बात करें बच्चे यहाँ पर, तो जो भी फर्म डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, उसका जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंट्रोल करते हैं, उनके जो भी उद्देश्य हैं उनको अचीव करने में कैसे चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, ये चीज़ें भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। क्योंकि डिविडेंड जब आप देते हैं तो कैश का फ्लो होता ही होता है, आपके फंड्स कम होते हैं क्योंकि डिविडेंड के तौर पर उनको बांटना होता है शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेन निंग कंट्रोल कैसा होना चाहिए, तो जो भी उनका मैनेजमेंट है वो ये डिसाइड करेगा कि किस तरह से इनको वो चीज़ें कंट्रोल करनी है। ओके, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफेक्ट ऑन अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर की बात करें बच्चा, कि एक शेयर पर कितनी अर्निंग होती है एक कंपनी की, तो वो इफेक्ट बहुत करेगी कि एक शेयर से एक कंपनी को कितना अर्न हो रहा है। तो वो डिविडेंड के तौर पर जब वो पॉलिसी इस तरह से वो ध्यान में देगी कि किस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट करना है, उन्हें हाई लेवल का डिविडेंड प्रोवाइड करना है, लोअर लेवल का डिविडेंड प्रोवाइड करना है, या कि स्टेबल डिविडेंड अमाउंट रखना है सभी शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है, तो वो अर्निंग पर शेयर को ध्यान में देगी कि उनका अर्निंग पर शेयर कितना है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान देना ज़रूरी है। अब अर्निंग पर शेयर आप जानते हैं, मान लीजिए कोई एक शेयर 20 रुपये का है और वहाँ से कंपनी को अर्न हो रहा है 19 रुपये, तो ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी, या 20 रुपये, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा डिविडेंड पॉलिसी के डिटर्मिनेशन में, ठीक है। 10th पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे फर्म्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब फर्म की क्या होती है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, क्या होती है, पहले तो शेयर होल्डर्स की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है कि उन्हें हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, जो हाई रेट ऑफ डिविडेंड है वो बहुत ज़्यादा हो यहाँ पर होगा और उन्हें मिलेगा। तो यहाँ पर जो कंपनी है इस तरह की एक्सपेक्टेशन रखती है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है वो शेयर होल्डर्स के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो फर्म्स की ये एक्सपेक्ट करती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स के अकॉर्डिंग चले, क्योंकि ऐसा जब उनके शेयर होल्डर्स खुश होंगे तो फिर से फ्यूचर में उनके शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, देन ऐसे क्या होता है कंपनी के पास अर्निंग और कैपिटल इजीली आती रहती है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्म्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो वो डिपेंड करता है कि एक फर्म कितना रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करती है अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। हाँ, हाईएस्ट लेवल दे रही है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, लोअर लेवल का डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, परसेंटेज में दे रही है, या फिर एक पर्टिकुलर रेशियो डिसाइड कर दिया उसके बेसिस पे दे रही है, वो डिपेंड करेगा कंपनी पे, ठीक है, या फॉर्म पे। अब हम इन्फ्लेशन की बात करें, जब महंगाई जब कभी भी आ जाती है तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी कंपनी है, तो इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जाहिर सी बात है अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, अर्निंग बहुत ज़्यादा है, तो अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करेगी, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है तो कम डिविडेंड प्रोवाइड करेगी। तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए जो फिक्स्ड एसेट्स है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद कंपनी के पास कितना फंड बचता है ना, एंड जो भी ऑब्सोल्यूट एसेट्स हैं उनको बेचने पर जो नई एसेट्स हुए हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके थ्रू कितना पैसा उनके पास आ रहा है बेचने पे, और नई एसेट्स को परचेज करने में कितना पैसा लग रहा है, उसमें से उनकी अर्निंग कितनी सेव हो पा रही है, कितना डिविडेंड के तौर पर वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें इस पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन्फ्लेशन के टाइम, क्योंकि ये सब मैटर करता है। इन्फ्लेशन में आप जानते ही हैं क्योंकि कंपनी की जो फिक्स एसेट्स होती हैं ना उनकी वैल्यू डाउन होती रहती है, तो अब ऐसे में जब उनकी फिक्स एसेट्स की वैल्यू डाउन होगी, डेप्रिशिएट होती चली जाएगी, तो ऐसे में जो ऑब्सोल्यूट एसेट्स हैं वो क्या करेंगे, उनको हटाना पड़ेगा, उन्हें उसको बेच करके नई एसेट्स लाना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जर्नल स्टेट ऑफ इकोनॉमी। अब देखिए हर एक कंट्री की एक जर्नल इकोनॉमी स्टेट होती है, ठीक है, कि अब जो कंट्री है किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है, जो भी उसका इकोनॉमिक जोन है वो किस तरह से काम कर रहा है, कोई भी कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, फर्म कैसे काम कर रही है, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करेगी अपने शेयर होल्डर्स को, कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर रही, उसकी अर्निंग कम हो रही है, तो ऐसे में वो कम डिविडेंड अमाउंट पे करेगी। तो ये जो जर्नल स्टेट ऑफ इकोनॉमी है ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसमें, डिविडेंड पॉलिसी के डिटर्मिनेशन में, और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।